अगर आप भी अपने फ़ोन पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हो बट अगर आपकी लाइव स्ट्रीमिंग पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखा रहा है तो आपको इसको चेंज करके आप अपने फ़ोन में कुछ इस तरीके के ऑप्शंस को कैसे देख सकते हैं जिस पे लिखा हुआ है रेडी इन 24 आवर्स, बिकॉज ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, देन वहाँ पर हम लोगों को सर्च कर लेना है www.youtube.com और अपने डेस्कटॉप के साइट को इनेबल कर लेना है। और इनेबल करने के बाद हम लोगों को सीधे सीधे अपने अकाउंट के आइकन पे जाना है, यूट्यूब अकाउंट के आइकन पे। अकाउंट के आइकन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को योर अकाउंट पे क्लिक करना है, योर चैनल पे क्लिक करना है। देन योर चैनल पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। देन वहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को सीधे डैशबोर्ड पे चले जाना है। तो सबसे पहले जब हम अपने YouTube स्टूडियो को ओपन करेंगे तब हम लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद डायरेक्टली हम लोग YouTube स्टूडियो के पेज पे चले जाएंगे। यहाँ से हमको कॉपीराइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और वहाँ पे हम लोगों को चेक कर लेना होगा कि यहाँ पे हमारे कोई किसी भी वीडियो पे कॉपीराइट तो नहीं है। यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों को चेकलिस्ट पे जाना होगा और चेकलिस्ट को हम लोगों को चेक कर लेना होगा कि कोई हमारी वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को वीडियो लिस्ट पे जाना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है और सीधे हम लोग वीडियो पे चले आएंगे। अगर कोई वीडियो पे कॉपीराइट होगा तो वो हम लोगों को शो हो जाएगा कॉपीराइट। जैसे हमारी वीडियो पे अभी कॉपीराइट है तो हम लोगों को शो हो रहा है कि हमारी कौन सी वीडियो पे कॉपीराइट है। हमारी 2 वीडियो पे कॉपीराइट है, जस्ट हमको सिंपली इसको डिलीट कर देना है वीडियो को। और वीडियो को डिलीट करने के बाद हम लोगों को वापस अपने मोनेटाइजेशन वाले पेज को ओपन कर लेना है। तो मोनेटाइजेशन पेज में आने के बाद हम लोगों को एक ऑप्शन वहां पे और जॉइंट हो जाएगा, एक आइकन जहां पे लिखा होगा 0 एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। तो जब 0 कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक होगी तब हम लोग एलिजिबल हो जाएंगे कि हम लोग अपने फ़ोन पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सके या लाइव जा सके। तो यहाँ पे अभी हम लोग एलिजिबल हो गए हैं कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सके। तो हम लोगों को वापस कॉपीराइट वाले पेज पे जाना है और यहाँ पे हम लोगों को क्लिक कर देना है वीडियो लिस्ट पे। और वीडियो लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जस्ट लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन दिखाए जाएंगे जैसे कि स्ट्रीम, लाइव और शेड्यूल का। तो यहाँ पे हम लोग अपने 3 ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसमें 2 ऑप्शन कॉमन होंगे जहाँ पर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव को इनेबल करेंगे जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद हमें इसको डाउनलोड कर लेना है। मेरा वर्जन लो है क्योंकि 5.0 से ऊपर वाले वर्जन पे ये डाउनलोड हो जाता है, बट आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड होने के बाद ये जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तब आपका लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अपने दूसरे फ़ोन से इसको इनेबल कर लिया है और अब हमारी यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जैसा आपको देख रहे होंगे यहाँ पे हमको अपना टाइटल देना है और हमें अपनी एज को सेलेक्ट करना है, देन वहाँ से हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, फाइनली वीडियो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने टेक यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।